जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान? नीला। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद व उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रहे माननीय बहन कुमारी मायावती जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। माननीय बहन जी के आगमन पर हम सभी इनका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। इकट्ठा हुए हैं इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूं। और वैसे मुझे आपकी इस भीड़ और खासकर भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार चुनाव में आप लोग नमो नमो वालों की जरूर छुट्टी करने वाले हैं और जयंती वालों को ही लाने वाले हैं और आपकी ये इच्छा भी जरूर पूरी हो जाएगी यदि आप लोग इस चुनाव में यह अपनी पार्टी का ये लगा है कैमरे में छोड़ दीजिए उसको कहला हम अपने कर रहे हैं। आप लोगों का ध्यान इस चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए वो जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में भाई थोड़ा साइड हो जाना क्या है डिस्टर्ब कर रहे हो। कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता जहां इसी कांग्रेस पार्टी के हाथों में ही केंद्रित हुई है, किंतु यहां खास ध्यान देने की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के केंद्र में वे अधिकतर राज्यों में भी लंबे अरसे तक रहे शासनकाल में इनके अधिकांश रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है और अब वर्तमान में देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र में अपनी सरकार की रही खासकर आरएसएसवादी पूंजीवादी संकीर्ण संप्रदाय द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार ये भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता से जरूर बाहर चली जाएगी और अभी चुनाव में इनकी कोई भी नाटकबाजी व जुमलेबाजी आदि काम में आने वाली नहीं और इस मामले में खासकर इनकी चौकीदारी की ये नई नाटकबाजी भी इनको नहीं बचा पाएगी। चाहे चुनाव में इनके सभी छोटे बड़े चौकीदार भी मिलकर अपनी कितनी भी ताकत क्यों ना लगा लें और इसकी मुख्य वजह यह है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में देश के विशेषकर गरीबों कमजोर तबकों मध्यम वर्ग एवं अन्य मेहनत कश लोगों को भी जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे तो उनका अभी तक भी इन्होंने जमीनी हकीकत में लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय
वे ताकत भी यहाँ इनके अपने चहेते बड़े बड़े पूंजीपतियों वे धन्ना सेठों को ही और भी ज्यादा माला माल वे धनवान आदि बनाने में तथा इन्हें हर स्तर पर बचाने के लिए इनकी पूरी चौकीदारी करने पर ही लगा रहा है। जबकि यह देश के किसान तो इस सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी रहे हैं और अभी भी हैं। इसी प्रकार केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार ने भी इनकी खासकर जातिवादी हीन संप्रदाय व पूंजीवादी सोच के चलते हुए यह पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों दलितों आदिवासियों पिछड़े वर्गों मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी कोई खास विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस मामले में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में अभी तक भी यहाँ दलितों आदिवासियों वे अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा अधूरा पड़ा है, अर्थात पूरा नहीं हुआ है। इनका पदोन्नति में आरक्षण अभी भी यहाँ प्रभावहीन ही बना हुआ है। और इतना ही नहीं बल्कि केंद्र व राज्यों में कांग्रेस बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की सरकारों में भी इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धरना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसके साथ ही इनका हर स्तर पर आए दिन शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इन वर्गों के साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत अभी तक भी यहाँ काफी ज्यादा खराब व दयनीय ही बनी हुई है, जिसका काफी कुछ खुलासा सर्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। और वर्तमान में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास व उत्थान आदि होना भी लगभग बंद सा ही हो गया है। और अब इन पर हर स्तर पर आए दिन हो रही जुर्म जाति भी यह काफी ज्यादा चरम सीमा पर ही पहुंच चुकी है। इन लोगों के अलावा इस सरकार में या अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इसके साथ ही इनकी केंद्र की सरकार ने पूरे देश में खासकर नोटबंदी व जीएसटी को जिस प्रकार से बिना पूरी तैयारी के ही इसे बहुत जल्दबाजी में लागू किया है, तो उससे अब यहाँ पूरे देश में गरीबी एवं बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और इससे छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग अभी भी यहाँ काफी ज्यादा दुखी हैं। देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका लगातार काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर इस सरकार में काफी ज्यादा बढ़ा है, जिससे हमारे यहाँ रक्षा सौदे तक भी अछूते नहीं रहे हैं। इसके अलावा केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार में भी अपने देश की सीमाएं अभी भी पूरे तौर से सुरक्षित नहीं है, जिसकी वजह से ही यह आए दिन आतंकी हमले होते रहते हैं, जिसमें अपने देश के अभी तक यहाँ काफी ज्यादा जवान भी शहीद हो चुके हैं। किंतु इस मामले में अति दुख की बात यह है कि इसे भी अब भारतीय जनता पार्टी के लोग इस चुनाव में किसी न किसी रूप में भुनाने में ही लगे हैं। इसके और इस ऐसे हालातों में
ऐसे हालातों में अब आप लोगों को इस चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य और विरोधी पार्टियों को भी या किसी भी कीमत पर केंद्र की सत्ता में आसीन नहीं होने देना है। इनको आप लोग हालांकि सत्ता प्राप्त करने के लिए अब यहाँ सभी विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल करने की भी पूरी पूरी कोशिश कर रही हैं, जिनसे आप लोगों को चुनाव में भी हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में चुनाव के दौरान यह सभी विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया या ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का भी जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती हैं, तो उनसे भी आप लोगों को गुमराह। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके ज्यादातर हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों के बहकावे में भी बिल्कुल नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर दरकिनारे कर देती हैं। और अब जिन पर से देश की जनता का ज्यादातर विश्वास ही उठता चला जा रहा है, जिसकी खास वजह से ही हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। और वैसे भी हमारी पार्टी कहने में बहुत कम और कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और इस संदर्भ में मैं खासकर बीजेपी व कांग्रेस पार्टी के बारे में भी ये कहना चाहूंगी कि बीजेपी ने देश में पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में अपने जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र में या केंद्र में अपनी सरकार बनने पर देश की जनता को जो अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो इनके अब ये अधिकांश चुनावी वायदे केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही ज्यादातर खोखले ही साबित हुए। और इतना ही नहीं बल्कि चुनाव में इसी प्रकार के प्रलोभन भरे चुनावी वायदे कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। और इस कांग्रेस पार्टी ने देश के खासकर अति गरीबों के वोटों को लुभाने के लिए इनको हर महीने 6,000 रुपए के हिसाब से देने की जो ये बात कही है, तो इससे भी इनकी गरीबी को दूर करने का कोई स्थायी हल निकलने वाला नहीं है, जिसे खास ध्यान में रखकर ही हमारा इस संबंध में ये कहना है कि यदि केंद्र में हमें सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो तब फिर हमारी सरकार यहाँ देश में अति गरीब परिवारों को हर महीने 6,000 रुपए देने की बजाय, बल्कि इसके स्थान पर उन्हें सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार देने की ही पूरी पूरी व्यवस्था है। ऐसी स्थिति में बीजेपी की तरह कांग्रेस पार्टी के भी ऐसे अनेकों और किए गए इनके प्रलोभन भरे चुनावी वायदों के बहकावे में भी जहां अति गरीबों को व अन्य जरूरतमंद लोगों को कतई भी नहीं आना है, और इन्हें हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के वे अपने बिहार प्रदेश के तथा देश के भी हित में अपने वोटों को इन सभी विरोधी पार्टियों को ना देकर केवल यहाँ अपनी एकमात्र हितेशी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है, जो ये पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनने पर फिर यहाँ पूरे देश में अपनी पार्टी के सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही अपनी सरकार चलाएगी। और तभी फिर यहाँ हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज
श्री नारायण गुरु बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी अधूरा रा सपना जरूर साकार हो सकता है। इसके लिए अब आप लोगों को चुनाव में या अपनी पार्टी के सभी लोकसभा के उम्मीदवारों को जरूर कामयाब बनाना है। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं आप लोगों से यही अनुरोध करती हूँ कि चुनाव में या हमने आपके प्रदेश में यहाँ हमने आपके प्रदेश में खासकर आपके इस क्षेत्र से जो बक्सर लोकसभा की सीट है तो बक्सर लोकसभा की सीट से हमने श्री सुशील कुमार कुशवाहा को चुनाव के मैदान में उतारा है और इनके बारे में आप लोगों को ये मालूम है कि ये पार्टी के पुराने वे वफादार पार्टी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, मिशनरी हैं और जो दलित वर्ग के लोग हैं उनको साथ में लेकर पिछड़ों को बीएसपी में जोड़ रहे हैं और बीएसपी का जनाधार बढ़ाने में बड़े पैमाने पर ये लगे हैं, जी जान से लगे हैं। और मुझे ये मालूम है कि यहाँ पर पिछड़े वर्ग में जो पिछड़े वर्ग की विभिन्न जातियां हैं उनका काफी ज्यादा वोट है। अकेले कुशवाहा समाज का ही यहाँ पर 2.5-3 लाख से कम वोट नहीं है और इसके अलावा निषाद है, कुर्मी है और भी जातियां हैं उनका काफी ज्यादा वोट है। मेरा आप लोगों से पुरजोर अपील है पिछड़े वर्ग के लोगों से, यदि आप लोगों का वोट एक तरफ आप लोगों का वोट एक तरफा इनको मिल जाता है तो दलितों के साथ तो पिछड़े वर्ग का वोट ऐड होने से फिर इनको कोई हरा नहीं पाएगा, फिर ये काफी वोटों के अंतर से या चुनाव जीतेंगे। हमने आरा लोकसभा की सीट से श्री मनोज कुमार सिंह को, पाटली पुत्र से श्री कली मुल्ला को, जहानाबाद लोकसभा की सीट से नित्यानंद सिंह को भी हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। इनके बारे में भी मेरा यही कहना है कि जिस समाज से ताल्लुक रखते हैं यदि इनके समाज का वोट इनको मिल जाता है तो दलितों का वोट ऐड होने से शामिल होने से फिर ये भी चुनाव जरूर जीत जाएंगे। इसके लिए और अब मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ कि बीएसपी के ये चारों उम्मीदवार आप लोगों के सामने खड़े हैं। बीएसपी के इन चारों उम्मीदवारों को बीएसपी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको आप लोगों को जरूर कामयाब बनाना है, इनको अच्छे वोटों से जरूर जिताना भी है। और अब मेरा आप लोगों से ये कहना है कि आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन सबसे पहले सुबह उठते ही वह समय से अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है और उसके बाद ही फिर आपको अपना कोई जलपान आदि करना है। और इस मामले में हमारी महिलाएं भी अपने पुरुषों से कतई भी पीछे नहीं रहेंगी, जो आज भी बड़ी तादाद में यहाँ मुझे सुनने के लिए आई हुई है। इसलिए मेरा हमारी जो महिलाएं हैं उनसे ये कहना है कि वोट वाले दिन आप अपने घरों में काम बाद में करेंगी, कोई भी काम बाद में करेंगी, लेकिन सबसे पहले अपने पुरुषों के साथ अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए आप लोग जरूर जाएंगी। और इसके साथ ही आप लोगों ने अपने क्षेत्र में पोलिंग बूथ की भी कमेटी बनाई हुई है तो पोलिंग बूथ की कमेटी के पदाधिकारियों से मेरा ये कहना है कि आप लोगों को ये सुनिश्चित करना है वोट वाले दिन कि आपके पोलिंग बूथ के क्षेत्र का कोई भी वोट पड़ने से ना रह जाए। ये आप लोगों के अपने अपने पोलिंग बूथ के क्षेत्र का वोट आप लोगों के उम्मीदवारों को जरूर पड़ना चाहिए। अब मैं आप लोगों का और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं पुनः आप लोगों से यह अपील करती हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के इन चारों उम्मीदवारों को बीएसपी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर
आप लोगों को इनको जरूर कामयाब बनाना है। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करते हुए आप लोगों से रजा लेती हूँ। जय भीम जय।